वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल indiabird.com। तो फ्रेंड्स, आज के हम वीडियो लेक्चर में देखने जा रहे हैं जितना भी 2019 का आपका जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन जो आते हैं उस पर हम थ्योरी बेस्ड देखेंगे। और ये जो होगा आपका खास करके जो JPSC AE और कोल इंडिया और जो अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जिस तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी पर प्योरली बेस्ड होगा। और आपको एक थियोरेटिकल टाइप के होगा, तो आप इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पेन और पेपर को ले लें। और आप पूरे डिटेल में तो नहीं नोट कर सकते हैं, लेकिन जो 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 मेन टॉपिक्स होगा वो आप नोट लिख करते चलेंगे तो आपको रिवीजन करने में आसानी होगा। तो इस वीडियो को आप स्किप ना करें, स्किप करने से बचें, पूरा वीडियो को देखें जितना भी मिनट का हो। जब आपके पास टाइम हो तभी इस वीडियो को देखें, और एक से दो बार अगर देख लेंगे आप इस वीडियो को तो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से काफ़ी कवर कर लेंगे। 2019 में जितने भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आने की संभावना है उसके जो करंट अफेयर जो होते हैं उस पर। और ये जो होगा पार्ट वन होगा, इसी प्रकार के दो या तीन पार्ट में मैं इसको करके पूरा कवर करूंगा। तो आप रेगुलर आज से जो इनके जो पार्ट वन है, पार्ट टू है, पार्ट थ्री है, आज से चालू हैं। तो आइए देखते हैं। आगे चलने से पहले ग्रुप को ज्वाइन कर लें, पेज को लाइक कर लें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल बटन को भी प्रेस कर लें, जिससे कोई भी अपडेट या नोटिफिकेशन आपको जाता रहेगा। और जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टेलीग्राम की लिंक है, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल को भी और डिस्कशन ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि इसरो बेस्ड, नासा बेस्ड और DRDO बेस्ड क्वेश्चन आपको ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जामों में, तो इसी प्रकार मैंने इसको लेकर बनाया है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका, इसरो लॉन्चे GSAT-31 फ्रॉम फ्रेंच गुयाना। देखो आपको क्या करना है, अगर नोट भी करते हो आप तो इस वाले पॉइंट को जो मैं ऊपर में दिया हूँ इसको नोट कर लेना। जैसे कि आपसे पूछ सकता है कि GSAT-31 जो आपका इसरो ने जो लॉन्च किया है वो कहाँ से किया है। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि इंडिया से किया गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये आपका फ्रेंच गुयाना से किया गया है। और ये कहाँ पर है तो ये आपका फ्रांस में, ठीक है, ये आपका कहाँ पे है, फ्रेंच गुयाना फ्रांस में, इसको भी आप लोग देखते चलेंगे। और अब पूछता है इसके बारे में डिटेल, तो डिटेल ये है आपका, मैं डिटेल में भी बता दिया हूँ आपको, इंडिया कम्युनिकेशन सेटेलाइट GSAT-31। देखो ये कौन सा सेटेलाइट है, आप पूछ सकता है कि GSAT जो आपका 31 है वो कौन सा सेटेलाइट है, तो ये आपका है कम्युनिकेशन सेटेलाइट, ठीक है। लॉन्च सक्सेसफुली फ्रॉम, देखो जगह का नाम भी दिया हुआ है, कोरू लॉन्च बेस। कौन लॉन्च बेस, क्यूरू लॉन्च बेस, जो कि फ्रेंच गुयाना में है। और अगर इंडियन टाइम की बात कर जाए तो 2:31 जो आपका एम होता है, यानी कि 2:31 आपके एम, यानी कि आपके रात में ये लॉन्च किए गए थे, इंडियन टाइम के अनुसार यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं हम लोग। GSAT जो 31 है, इंडिया 40th कम्युनिकेशन सेटेलाइट है, विल प्रोवाइड ट्रांसपोंडर। देखो बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आएगा ट्रांसपोंडर, मैं इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ आपको। ट्रांसपोंडर क्या होता है, देखो ये एक्टिव एंड पैसिव डिवाइस टाइप के वर्क करता है, ठीक है। और ये आपका क्या होता है, ये वायरलेस कम्युनिकेशन होता है मॉनिटरिंग करने के लिए, और कंट्रोल डिवाइस भी होता है, ठीक है। ये आपका ऑटोमेटिक रिस्पॉन्ड करता है, कोई भी अगर इनकमिंग सिग्नल आ रहा है उसको ये ऑटोमेटिक आपको रिवाइंड कर देता है, यानी कि उनको रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। ये होता है ट्रांसपोंडर कैपेसिटी, देखो जिसमें आपके DTH टेलीविजन और कनेक्टिविटी टू सर्विस लाइक VSAT फॉर ATMs, मैं इसके बारे में भी बता दूंगा VSAT क्या होते हैं, फॉर ATMs, स्टॉक एक्सचेंज, डिजिटल सेटेलाइट, न्यू गैदरिंग, DSNG एंड ई गवर्नेंस अप्लीकेशन, समझ गए। तो ये जो कम्युनिकेशन सेटेलाइट जो है आपका DSAT, उसमें कितने फ़ायदे हैं आप देख सकते हैं। DTH टेलीविजन और कनेक्टिविटी इससे सुधर जाएगी, ATM जो ATM के VSAT जोड़ते हैं। VSAT के बारे में बता देता हूँ, इसका अगर आपको एब्रिविएशन करोगे तो VSAT का होगा आपका वेरी स्मॉल ऑपरेशनल टर्मिनल, ठीक है, वेरी स्मॉल ऑपरेशनल टर्मिनल, ये आपका यूज होता है मिलिट्री एंड नेवल ऑपरेशन में, ठीक है। VSAT जो यूज होता है वो कहाँ पे होता है, मिलिट्री एंड नेवल ऑपरेशन में, जहाँ पे जो कि आपके रिमोट लोकेशन होते हैं, जहाँ पे आपके नेटवर्क वेटवर्क का प्रॉब्लम होता है, तो उस लोकेशन पे मिलिट्री एक्सरसाइज जब होती हैं, चाहे कोई भी चीज़ें हो, तो वहाँ पे इसको यूज किया जाता है। इसीलिए ATM अगर बाहर में रिमोट लोकेशन में लगाया जाता है तो VSAT का प्रयोग करके, देखिए होगा ऊपर में आपका लगा रहता होगा, आप ATM के ऊपर में देखे होंगे छाता टाइप का, तो वो इस तरह के फंक्शन करते हैं ये, ठीक है। GSAT-31 हैड ए लिफ्ट ऑफ मास
देखो 2000 यहाँ पे दिया गया है आपका 2536 kg एंड ऑपरेशनल लाइफ ऑफ ओवर 15 ईयर्स। तो इसमें से देख सकते हो आपको कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं अगर आप इतना ही समझते हो तो। सबसे पहले पूछ सकता है आपका कि GSAT-31 सेटेलाइट किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो इंडिया के द्वारा किया गया। आपको कहाँ से किया गया, इसरो ने किया। और कहाँ से किया गया था, फ्रेंच गुयाना में किया गया था फ्रांस के द्वारा। और इसका जगह का नाम भी पूछ सकता है किस जगह से किया गया है, तो ये आपका कूर जो लॉन्च बेस है आपका फ्रेंच गुयाना में वहाँ से किया गया है। ये केवा कम्युनिकेशन सेटेलाइट है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे बनता है। तो ये 40th कम्युनिकेशन सेटेलाइट है, समझ गए। ये DTA टेलीविजन ये सब में आपको हेल्प करेगा। इसका आपका लाइफ पूछ सकता है, तो लाइफ पीरियड इसका जो है आपका 15 ईयर्स के अकॉर्डिंग 15 ईयर्स तक है। उसके बाद इसका आपका मास या वेट पूछ सकता है, यहाँ पे 25-36 kg आपको ये आप बता सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या है, इसरो टू सेटअप ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर इन बेंगलुरु गगनयान मिशन। देखो इसरो अभी क्या करने वाला है कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर बेंगलुरु जो गगनयान मिशन है, इसके बारे में भी मैं डिटेल बताया हूँ आपको। जैसे जैसे वीडियो आगे पढ़े चलेगा उसमें आप लोग इसके इस जो मिशन के बारे में जानते जाओगे, तो आप समझने का कोशिश करो और इसको अच्छे से नोट भी करते चलो, ठीक है। इसमें क्या है, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, देखो एब्रीविएशन भी आते हैं बहुत सारे छोटे छोटे एग्जामों में आपको, जैसे कि इसरो का, DRDO का, नासा का, ये सब आपके एब्रीविएशन आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको इसके बारे में भी जानना जरूरी होगा। इस सेटिंग अप ए ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर इन बेंगलुरु, कहाँ पे सेट किया जा रहा है आपको इस चीज़ों को ध्यान रखना है, बेंगलुरु में। विच विल सपोर्ट इट्स क्वेस्ट ऑफ मेकिंग कंट्री मेडन मैन स्पेस मिशन ए सक्सेस। यहाँ पे अब क्या है इसमें कि जो आदमियों को मैंने कि मैन लोगों को ऊपर में भेजा जाएगा स्पेस मिशन में, और उसमें इसके बारे में आपको बहुत डिटेल में भी मैं मेंशन किया हूँ, आगे आप देखोगे तो आप देख लेना। देखो इसके लिए जो फंड जो दिया जा रहा है गगनयान प्रोग्राम के लिए, आप देख सकते हो यहाँ पे 10,000 करोड़ दिए जा रहे हैं, तो ये आपका इतना दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, और ये आपको सैंक्शन भी कर दिया गया है कैबिनेट के द्वारा इस मिशन के लिए। लेटेस्ट न्यूज यही था कि इसका जो जितने पैसे हैं इसको सैंक्शन कर दिया गया है। इसको कब किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, इसके बारे में भी डिटेल आगे हम लोग देखेंगे। फिर से चलते हैं, देखते हैं इसके बारे में। देखिए उसी के बारे में आ गया, गगनयान मिशन के बारे में। फर्स्ट मैन मिशन टू स्पेस बाय दिसंबर 2020। यहाँ पे क्या है, डेडलाइन कब रखी गई है, 2021 दिसंबर के रखी गई है इसरो चीफ के मुताबिक। और फ्रेंड मैं ये जो बता रहा हूँ मैं लाइन बाय लाइन बता रहा हूँ, जैसे कि आपका सबसे पहले जैन का होगा आपका, फिर उसके बाद फैब का चलेगा यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, फिर उसके बाद मार्च का चलेगा, तो ये भी जैन और फैब के चल रहे हैं, मार्च फिर अप्रैल ऐसे करके चलेंगे आपको, ठीक है। तो ये उसके अकॉर्डिंग है, आगे जो भी चीज़ें आएंगी वहाँ पर मैं मेंशन करते जाऊँगा, तो आप इन तीनों पार्ट को देख लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसरो चेयरमैन आपका कौन है, आपको ये भी पता होना चाहिए, डॉक्टर KC1 has announced that the organization is well prepared to meet the target of launching Gaganyaan manned mission to outer space by December 2021 दिसंबर तक ये जो है गगनयान मिशन इसको कंप्लीट किया जाएगा, टारगेट इसी के लेकर चला जा रहा है। लॉन्चिंग गगनयान मैन मिशन आपको मैं बता चुका हूँ। अंडर द गगनयान प्रोजेक्ट इंडिया इज प्लानिंग टू सेंड 3 astronauts टू आउटर स्पेस फॉर 7 days। देखो क्या किया जा रहा है गगनयान प्रोजेक्ट के तहत, कि जो भारत है वो बोल रहा है कि हम एस्ट्रोनॉट को भेजेंगे आउटर स्पेस कितने दिनों के लिए, 7 दिनों के लिए, और ब्रिंग देम बैक, 7 दिन के बाद उनको वापस ले लिया जाएगा, ठीक है। द इनिशियल ट्रेनिंग फॉर गगनयान विल बी डन इन इंडिया एंड एडवांस ट्रेनिंग माइट हैपन इन रशिया। देखो अभी क्या है कि इनिशियल ट्रेनिंग अब स्टार्ट होने वाले होंगे, क्योंकि टाइम है बहुत पहले, जनवरी फरवरी का मैं बता रहा हूँ आपको। तो जो इनिशियल ट्रेनिंग होगा वो गगनयान मिशन का कहाँ होगा, इंडिया में होगा, और जब एडवांस ट्रेनिंग इनको करनी होगी तो ये आपका कहाँ पे होगा, रशिया में होगा। ओमन एस्ट्रोनॉट्स विल बी देयर ऑन द टीम, ओमन एस्ट्रोनॉट्स को भी टीम में सम्मिलित किया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप समझ सकते हैं कि क्या है यहाँ पे, सबसे पहले आपको बताया पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि कब तक टारगेट किया जाता है, कब तक इनको भेजना है, कब तक प्लानिंग कर रहे हैं, तो 2021 आप बोल सकते हो। और जो आपके इसरो के चेयरमैन है डॉक्टर KC1 है, और आपको ये भी पूछ सकता है कि गगनयान प्रोजेक्ट में कितने एस्ट्रोनॉट्स को और कहाँ पर भेजने का चल रहा है और इसकी ट्रेनिंग कहाँ पर होगी,
तो सबसे स्टार्टिंग की जो इनिशियल फेज की जो ट्रेनिंग होगी वो आपका इंडिया में होगा, उसके बाद जो एडवांस ट्रेनिंग होगा वो आपका रसिया में होगा, और इसमें वोमेन भी एस्ट्रोनॉट भी शामिल किए जाएंगे उनके टीम में। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं द साइलेंट फीचर ऑफ द गगनयान मिशन आर। तो गगनयान मिशन के साइलेंट फीचर्स के बारे में जान लेते हैं हम लोग, क्या क्या है इसमें। द मिशन एम्स टू कैरी 3 ह्यूमन बींग्स फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 7 डेज। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ह्यूमन बींग्स को मैक्सिमम पीरियड कितने दिनों के लिए, 7 दिनों के लिए स्पेस में भेजा जाएगा, विथ द सपोर्ट ऑफ एकेडेमिया, द साइंटिफिक कम्युनिटी, इंडस्ट्री, IAF एंड इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो साइंटिफिक कम्युनिटी भी जाएगा, इंडस्ट्री से भी जाएंगे, IAF एंड इसरो के भी लोग जाएंगे। इंडिया विल लॉन्च 2 अनमैन मिशन बिफोर द फाइनल मिशन। यहाँ पे बोला जा रहा है कि सबसे पहले इंडिया क्या करेगा कि लॉन्च करेगा अनमैन मिशन, यानी कि बिना मैन बिना आदमी के द्वारा जो मिशन है उसको फाइनल जब ये लोग जो करेंगे उसके पहले अनमैन मिशन को भी ये लोग करेंगे। ठीक है, द फर्स्ट अनमैन टेस्ट जो फ्लाइट है वो आपका दिसंबर 2020 में जाएगा, यानी कि जो नेक्स्ट साल जो आ रहा है ये आपका दिसंबर 2020 में, क्योंकि आपका 2021 में दिसंबर में उनको फाइनल मैन मिशन को करना है। ठीक है, द सेकेंड अनमैन टेस्ट जो आपका होगा कंडक्ट होगा वो आपके जुलाई में 2021 में होगा, यानी कि उससे कुछ मंथ पहले। एंड द ह्यूमन स्पेस फ्लाइट विल बी लॉन्च इन दिसंबर 2011, जो कि ह्यूमन का जाएगा जो मिशन जो होगा वो गगनयान का, वो आपका जो फाइनल जो मिशन होगा वो आपका जो दिसंबर 2021 में होगा। ठीक है, ये ह्यूमन रेटेड GSLV MK3 विल यूज टू कैरी द ऑर्बिटल मॉड्यूल। यहाँ बोल रहा है कि द ह्यूमन जो ह्यूमन का जो मिशन जो होगा उसमें GSLV MK3 जो है उस तरह के ऑर्बिटल मॉड्यूल को कैरी किया जाएगा। तो ठीक है, आप इसके मिशन के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे, इन सारे डिटेलों को आप लोग लिख सकते हो। इसरो, अब देखते हैं नेक्स्ट, इससे आगे निकलते हैं हम लोग। इसरो सक्सेसफुली लॉन्च PSLV C-44 कैरिंग कालामास एंड माइक्रोसैट आर सैटेलाइट। ये दो सैटेलाइट हैं जिसने इसरो ने छोड़ा है, जो कि जिसका लॉन्च व्हीकल्स जो है वो कौन सा है, PSLV C-44। ठीक है, द इंडियन, अब इसके डिटेल देखते हैं हम लोग। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली लॉन्च द PSLV C-44 कैरिंग कालामसैट एंड इमेजिन सैटेलाइट माइक्रोसैट आर और कालामसैट, इसके बारे में मैं बताऊंगा, थोड़ा सा आप लोग सब्र करें। द सैटेलाइट वाज लॉन्च फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछ भी सकते हैं आपसे कि ये जो इसरो ने जो आपका जो PSLV C-44 से कालामसैट और माइक्रोसैट आर सैटेलाइट जो लॉन्च किया है वो कहाँ से, किस स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था, तो आपका आंसर होना चाहिए श्रीहरिकोटा। और ये श्रीहरिकोटा कहाँ पे है, तो आपका आंध्र प्रदेश में है, कंफ्यूज ना हो। बेंगलुरु में बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इसरो का हेडक्वार्टर है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। और उसके बाद आगे चलते हैं, अबाउट कालामास के बारे में देखते हैं हम लोग। तो कालामास इज ए पेलोड डेवलप्ड बाय स्टूडेंट एंड चेन्नई बेस्ड स्पेस किड्स इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। ये जिसने डेवलप किया है वो कौन थे, स्टूडेंट थे, चेन्नई बेस्ड स्पेस किड्स स्टूडेंट थे। अब सेकंड इसमें क्या है, कालामास ए 10 सेंटीमीटर साइज क्यूब एंड जिसका इसका वेट है 1.2 kg, यानी कि देख सकते हो सबसे लाइट है। कितना है इसका साइज है आपका, 10 सेंटीमीटर का साइज है और इसका जो वेट होगा आपका 1.2 kg, यानी कि 2 kg से कम, 1.2 kg आपका है। और ये जो लाइटेस्ट सेटेलाइट ऑफ इंडिया होगा, ये ऐसा बोला जा रहा है कि आपका ये जो अभी तक जितने भी सेटेलाइट हुए हैं ये इंडिया का सबसे लाइटेस्ट सेटेलाइट होगा। ठीक है, अब देखते हैं माइक्रोसैट आर के बारे में। ये आपका माइक्रोसैट आर के बारे में बता दूँ कि ये मिलिट्री तरह के सेटेलाइट हैं। तो माइक्रोसैट आर जो है अर्थ ऑब्जर्वर सेटेलाइट है, जो कि मैन्युफैक्चर किया गया है किसके द्वारा, DRDO के द्वारा। ठीक है, एंड लॉन्च बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बनाया गया है DRDO के द्वारा, लेकिन लॉन्च किसके द्वारा किया गया, इसरो के द्वारा। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये चीज़ों को ध्यान रखना है आपको। माइक्रोसैट आर इज ए प्राइमरली डेडिकेटेड मिलिट्री सेटेलाइट
फॉर द इंडियन आर्म फोर्स इंटीग्रेटेड स्पेस सेल। जो माइक्रोसैट आर सेटेलाइट है वो आपका स्पेसिफिक मिलिट्री सेटेलाइट के लिए यूज किया जाएगा, जो कि इंडियन आर्म फोर्स यूज करेगा इसको। आपको इससे पता भी चल रहा है कि DRDO ने जब किया होगा तो ऑब्वियस है कि मिलिट्री सेटेलाइट ही होगा एक। और इसमें क्या है कि इसको जो लॉन्च किया गया है किसके द्वारा किया गया है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं IIT हैदराबाद लॉन्चेज फुल फ्लेज BTech इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अब BTech करने के लिए IIT हैदराबाद ने कोर्स को लॉन्च किया है, ठीक है। ये आपका इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान देना होगा क्योंकि पूछ सकता है एग्जाम में कि कौन से IIT ने ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में BTech के कोर्स स्टार्ट किए हैं। तो आपका ऑप्शन बहुत तरह के रहेंगे, तो आपको उसमें IIT हैदराबाद को टिक करना होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया गया है मैं बताता हूँ कि आपके जैसे कि JEE के पेपर आपके होते हैं कंप्यूटर साइंस सिविल या हर एक चीज़ के लिए BTech करते हैं आप लोग, उसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आपके JEE एडवांस टेस्ट देने होंगे और आपको उसमें दाखिला होगा। जो इसका जो पहला सीट जो होगा मैं उसके बारे में भी बताऊंगा कितना सीट है इसमें। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद IITH हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ फुल फ्लेज बैचलर प्रोग्राम इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी कि फुल फ्लेज बैचलर प्रोग्राम होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फ्रॉम द न्यू एकेडमिक सेशन। जो नया एकेडमिक सेशन स्टार्ट होने वाला है उस समय से ये लागू कर दिया जाएगा, ठीक है। फर्स्ट फॉर द कंट्री एंड ओनली द थर्ड ग्लोबली। ये इंडिया में पहला होगा और अगर वर्ल्ड की बात करते हैं तो ये थर्ड होगा, ठीक है। द न्यू कोर्स विल हैव 20 सीट्स एंड द एलिजिबिलिटी इज क्लियरिंग द JEE एडवांस टेस्ट। जो पहला जो आपका जो स्टार्टिंग जो आपके जो सीट्स होंगे उसमें 20 सीट्स रखे जाएंगे और इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, आपको इसमें JEE एडवांस टेस्ट जैसे होते हैं उसमें JEE एडवांस टेस्ट आपको देने होंगे, ठीक है। तो समझ गए इसमें से भी क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, कितने सीट्स हैं 20 सीट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसका, तो आपका JEE टेस्ट कौन से शुरू किया, तो IIT हैदराबाद ने, कि ये इंडिया में केवा है तो आपका ये बन सकता है कि फर्स्ट है, और ग्लोबली कितना है यानी कि वर्ल्ड में कितना आता है तो ये थर्ड पे आता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको इसमें बनेगा। आगे चलते हैं, देखिए फिर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। फेसबुक टू सेट अप इंस्टीट्यूट फॉर इथिक्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो फेसबुक अब एक इंस्टीट्यूट बनाने जा रहा है जो कि आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, इथिक्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिस पे फेसबुक ने आपको काफ़ी खर्च किए हैं 7.5 मिलियन टू सेट अप एन इंस्टीट्यूट फॉर इथिक्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन कोलैबोरेशन विद टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिच। देखो यहाँ पे एक TUM करके एब्रिविएशन इससे पूछ सकता है, तो क्या है इसका, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिच जर्मनी। कहाँ पे है ये आपका, जर्मनी में है। तो ये अगर क्वेश्चन बनता है क्योंकि जो न्यूज में होता है उसी से क्वेश्चन आपका आता है, तो इन चीज़ों को भी आप लोग देख लेना। TUM कहाँ पे है आपका, जर्मनी में। फेसबुक इन्हीं के साथ कोलैबोरेशन कर रहा है इथिक्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, ठीक है। द इंस्टीट्यूट विल हेल्प टू एडवांस द ग्रोइंग फील्ड ऑफ इथिकल रिसर्च ऑन न्यू टेक्नोलॉजी एंड विल एक्सप्लोर फंडामेंटल इशू अफेक्टिंग द यूज एंड इम्पैक्ट ऑफ AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। द इंस्टीट्यूट विल एक्सप्लोर द इथिकल इशू ऑफ AI एंड डेवलप इथिकल गाइडलाइंस फॉर द रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन सोसाइटी एंड द इकोनॉमी। TUM वॉज रैंक 6th इन द वर्ल्ड। देखो ये बोल रहा है कि जो आपका जर्मनी में जो यूनिवर्सिटी है टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिच, ये आपका इसका जो रैंक है वो 6th है वर्ल्ड में, ठीक है। 6th इन द वर्ल्ड फॉर AI रिसर्च बाय द टाइम्स हायर एजुकेशन मैगजीन इन 2018। ये 2018 में इनका जो रैंक था 6th था AI के लिए यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। किसके द्वारा जो रैंक दिया गया था, ये आपका टाइम्स हायर एजुकेशन मैगजीन के द्वारा। तो सभी तरह के हम यहाँ पे आपको थ्योरी बता रहे हैं क्वेश्चन। वीडियो को लाइक करते चलें और कमेंट करें, दूसरों के साथ भी शेयर करते जरूर चलें, और इसी तरीके से और भी क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। अभी और भी है, आप लोग बने रहें साथ में। पुणे टू सून बी फर्स्ट सिटी इन कंट्री टू सी ए ट्रैफिक रोबोट। पुणे भारत में ऐसा सिटी बन जाएगा जहाँ पे ट्रैफिक रोबोट होंगे, ठीक है। ट्रैफिक रोबोट का जो नाम है उसका क्या है, रोडियो। देखते हैं, द ट्रैफिक पुलिस अथॉरिटीज ऑफ पुणे आर प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस ए रोबोट नेम्ड रोडियो
which would move around city roads functioning as a quasi traffic policeman and cautioning commuters about traffic rules and offense. ये क्या करेगा कि एक तरह का रोबोट होगा जिसका नाम रखा जाएगा रोडियो, और ये रोड पे चलेगा भी और फंक्शन भी करेगा ट्रैफिक पुलिस के जैसा ही, और आप जो भी ट्रैफिक रूल्स हैं उसके बारे में डिटेल भी बताएगा और उनको हिदायत भी देते रहेगा, ठीक है। रोडियो कंसिस्ट ऑफ 16-inch LED डिस्प्ले टू शोकेस ट्रैफिक रूल्स एंड अदर इम्पोर्टेंट मैसेज सच एज वेयर ए हेलमेट, डू नॉट जंप द सिग्नल एंड अदर्स। रोडियो का क्या आपका है, ये कितना का होगा आपका, तो इसमें आपका होगा 16-inch यानी कि 16-inch LED डिस्प्ले होगा जो कि शोकेस करेगा क्या, ट्रैफिक रूल्स के बारे में आपको बताएगा और मैसेज भी देगा आपको, जैसे कि आपको हेलमेट पहनना है, आपको ट्रैफिक सिग्नल को जंप नहीं करना है, और भी जो अदर इंफॉर्मेशन होते हैं ट्रैफिक से रिलेटेड उसमें आपको शो करेगा इस 16-inch LED डिस्प्ले में। इट इज़ अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव इन द इंटायर कंट्री। ये ऐसा इनिशिएटिव पहला बार लिया जा रहा है, पूरे कंट्री में अभी तक ऐसा नहीं कभी किया गया था, जो कि पुणे पुलिस ट्रैफिक पुलिस के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। द रोबोट रोडियो इज डेवलप्ड बाय SP रोबोटिक मेकर लैब। देखो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि आपका किस लैब में बनाया जा रहा है ये, तो SP रोबोटिक मेकर लैब जो है पुणे बेस्ड लेबोरेटरी दैट ट्रेन्स पीपल टू लर्न अबाउट रोबोटिक्स एंड बिल्ड इच देम सेल्फ, जो कि आप उन वो पुणे वाले जो है लेबोरेटरी जो है वहाँ पे बताया जाता है रोबोटिक्स के बारे में और टेक्नोलॉजी के बारे में, ये वहीं पे डिजाइन किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पेपर सेंसर टू डिटेक्ट फ्रेशनेस ऑफ मिल्क। अब पेपर सेंसर्स एक लाया जा रहा है कि जो आपका जो मिल्क होता है उसका फ्रेशनेस को डिटेक्ट करेगा। द साइंटिस्ट फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गौहाटी हैव डेवलप्ड ए पेपर किट टू टेस्ट द फ्रेशनेस ऑफ ए मिल्क एंड डिटरमाइन हाउ वेल द मिल्क हैज बीन पेस्चराइज। तो ये आपको कहाँ के द्वारा किया जा रहा है, आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गौहाटी के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। ये आपसे पूछ सकता है इसमें क्या होगा, पेपर किट के द्वारा आपका फ्रेशनेस मिल्क का टेस्ट किया जाएगा कि ये मिल्क कैसा है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, चाइना चैंग ई प्रो 4 प्रोब मेक्स हिस्टोरिक टचडाउन। ये आपका ये अब हम विदेश से भी देख सकते हैं कुछ क्वेश्चन, जैसे कि आपने इंडिया का देखा उससे हम लोग वर्ल्ड का भी इसमें, क्योंकि इसमें दोनों तरह के क्वेश्चन आते हैं, इंडियन भी रहेगा आपका और वर्ल्ड का भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। चाइना चेंज 4 प्रोब स्पेस क्राफ्ट हैज बिकम द फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट टू लैंड ऑन द फार साइड ऑफ द मून। फार साइड समझ सकते हैं मून से थोड़ी दूरी पे, फार साइड यानी कि मून से दूर पे। तो क्या बोला गया यहाँ पे कि इन जो चाइना चैंग 4 प्रोब है स्पेस क्राफ्ट जो है वो पहला स्पेस क्राफ्ट बन गया जो कि लैंड हुआ है फार साइड ऑफ द मून। चैंग 4 इज अ चाइनीज लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन दैट एम्स टू अचीव सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द फार साइड ऑफ द मून। सॉफ्ट लैंडिंग के लिए ये जाना जाएगा, और जो कि आपके मून के दूरी पे लैंड हुआ है ये, ठीक है। द मिशन एम्स टू डिलीवर सैंपल्स ऑफ मून रॉक एंड सॉइल टू अर्थ। ये आपका जो मिशन है ये आपका क्या करेगा, इसमें मून पे रॉक एंड सॉइल टू अर्थ डिलीवर करेगा, ठीक है। जापान लॉन्चेस सैटेलाइट फॉर वर्ल्ड फर्स्ट आर्टिफिशियल मेटोर शावर। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जो है लॉन्च टोक्यो बेस्ड स्टार्टअप स्टार LE मिनी सैटेलाइट एम टू डिलीवर द वर्ल्ड फर्स्ट आर्टिफिशियल मीटोर शावर, ठीक है। तो जापान जो है, जापान में जो आपका जो वर्ल्ड फर्स्ट आर्टिफिशियल मीटोर शावर है कहाँ पे आपको बताया जाएगा, ये आपका जापान में टिक लगाना होगा आपको। टोक्यो कहाँ पे, टोक्यो बेस्ड स्टार्टअप है ये, जो कि आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कहाँ पे है ये आपका, जैसे कि आपका जापान नहीं मेंशन हो टोक्यो मेंशन हो तो आप लोग टोक्यो को इसमें टिक कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं, IIT मद्रास रिक्रिएट्स स्पेस फ्यूल, ठीक है। द रिसर्चर्स फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास हैव रिक्रिएटेड स्पेस फ्यूल्स बाय सिमुलेटिंग इंटरस्टेलर कंडीशन इन द लेबोरेटरी। इट इज़ ए बिग ब्रेक थ्रू फॉर इंडिया इन द एक्सप्लोरेशन ऑफ ए क्लीनर एंड सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टू फॉसिल फ्यूल। ये जो होगा आपका क्लीनर और सस्टेनेबल होगा फॉसिल फ्यूल का,
ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है कि किसके द्वारा किया गया है, तो आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया है, जो कि स्पेस फ्यूल है आपका ये। नेक्स्ट देखते हैं, नासा डिस्कवर्स न्यू प्लैनेट HD 21749b। तो आपका सबसे पहले तो इसमें आपका आ जाएगा कि ये किसके द्वारा न्यू प्लैनेट जो है आपका डिस्कवर किया गया, तो नासा के द्वारा किया गया था HD 21749b। ठीक है, तो नासा का आपको एब्रिविएशन भी आना चाहिए, इसका क्या है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, कहाँ पे ये आपका USA, उसने क्या किया है, आपका न्यू प्लेनेट डिस्कवर किया है जिसका नाम आपका यहाँ पे मेंशन है, देख सकते हैं HD 21749b। ठीक है, इट इज़ द थर्ड न्यू प्लेनेट डिस्कवर बाय द नासा मिशन। ये जो है थर्ड न्यू प्लेनेट डिस्कवर किया गया है नासा के द्वारा, ट्रांसिस्टिंग एक्सप्लोनेंट सर्वे सेटेलाइट TES। देखो TES का जब भी एब्रिविएशन आएगा आपको तो क्या लिखना है, ट्रांसिस्टिंग एक्सप्लोनेंट सर्वे सेटेलाइट। द न्यू प्लेनेट HD 21749b इज आउटसाइड आवर सोलर सिस्टम एंड ऑर्बिट्स ए ड्वार्फ स्टार 53 लाइट ईयर्स अवे। ये आपका क्या है, आउटसाइड है सोलर सिस्टम के, जो न्यू प्लेनेट सर्च किया गया है आपका एंड ऑर्बिट्स के। HD 21749 ऑर्बिट्स ए ब्राइट स्टार इन द कॉन्स्टलेशन रेक्टेलियम। ठीक है फ्रेंड्स, इट हैज द लॉन्गेस्ट ऑर्बिटल पीरियड ऑफ ऑल द थ्री डिस्कवरी मेड बाय TS, यानी कि ट्रांसिस्टिंग एक्सप्लोनेंट सर्वे सेटेलाइट। HD 21749 ऑर्बिट्स इट्स स्टार इन ए रिलेटिवली लीजरली 35 डेज। तो ये सब चीज़ें इसके बारे में डिटेल में मैंने थोड़ा सा डाल दिया था आप लोगों के लिए। द अदर टू डिस्कवरीज मेड बाय द TS प्रोब आर पाई मैंस बी एंड LHS 3844b। ठीक है, तो आपका इसके बारे में भी दो और तरीके के जो डिस्कवरी किया गया है ट्रांसिस्टिंग एक्सप्लोरेंट सर्वे सेटेलाइट के द्वारा, तो उसमें ये आपका है एक और ये आपका LHS भी है। और इसी तरीके से क्या है, पाई मेंस बी हैज एन ऑर्बिट ऑफ 6.3 डेज एंड LHS 3844b हैज एन ऑर्बिट ऑफ जस्ट 11 आवर्स। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में आप लोग इसको देख लेना, और आपको पढ़ना होगा तो इसके बारे में आराम से टाइप करके गूगल पे पढ़ सकते हो। नासा टू लॉन्च स्पेक्स मिशन टू इन्वेस्टिगेट यूनिवर्स, स्पेयर्स मिशन टू इन्वेस्टिगेट यूनिवर्स। नासा हैज अनाउंस ए न्यू स्पेस टेलीस्कोप मिशन डेडिकेटेड अंडरस्टैंडिंग द ऑरिजिन ऑफ लाइफ एंड द यूनिवर्स। नासा एक अनाउंस किया है न्यू स्पेस टेलीस्कोप मिशन, जो कि डिटेक्ट करेगा वो समझने के लिए, यानी कि अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ओरिजिन लाइफ का ओरिजिन और ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स दोनों चीज़ों को उसके बारे में वो पढ़ने के लिए बोल सकते हो, या आपका उसके बारे में अध्ययन करेगा। इट इज़ कॉल्ड द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री। क्या है आपका, इट इज़ कॉल्ड द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स, इपोच ऑफ रियोनाइजेशन एंड आइस एक्सप्लोर ऑफ स्फेयर एक्स फॉर शॉर्ट। द स्पेस एजेंसी इज एमिंग फॉर ए 2023 लॉन्च। ये आपका जो लॉन्च का जो इसका तारीख जो रखा गया है, वो इनका जो एम किया गया है ये 2023 तक इन्होंने करना है, इनको नासा को स्पेयर एक्स मिशन को करना है, जो कि इन्वेस्टिगेट करेंगे आपका यूनिवर्स के बारे में और ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में भी सर्च करेंगे। ठीक है, इसरो लॉन्चेज युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम फॉर स्कूल चिल्ड्रेन। अब पूछ सकता है कि किसके द्वारा युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम लॉन्च किया गया है, तो ये आपका इसरो के द्वारा किया गया है। ठीक है, इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम ए यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम फॉर द स्कूल चिल्ड्रेन टू बी स्टडिंग इन द 9th स्टैंडर्ड। ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ये किस स्टैंडर्ड के लिए है, तो जो 9th स्टैंडर्ड में स्टूडेंट पढ़ते हैं, यानी कि जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन है, ये उनके लिए है। ठीक है, और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होगा कि यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम इनको बनाए जाएंगे और उसमें बताए जाएंगे। ठीक है, बैंडिकूट ए ड्रेनेज क्लीनिंग रोबोट इंट्रोड्यूस इन चेन्नई। बैंडिकूट ए ड्रेनेज क्लीनिंग रोबोट इंट्रोड्यूस इन चेन्नई। तो बैंडिकूट ए ड्रेनेज क्लीनिंग रोबोट हैज बीन इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। ये पहला बार हुआ है इंडिया में आपको
बैंडिकूट ए ड्रेनेज क्लीनिंग रोबोट इंट्रोड्यूस किया गया है। कुंभकोणम सिटी कॉरपोरेशन हैज ए पार्ट ऑफ एफर्ट्स टू रीड ऑफ मैनुअल स्केवेंजिंग एट द कॉस्ट ऑफ रुपीज 18 लाख इन चेन्नई तमिलनाडु। इसमें बैंडिकूटिंग आपको पूछ सकता है कि किस सिटी में किया गया है, तो ये आपका होगा कुंभकोणम सिटी में, जो कि वहाँ का कॉरपोरेशन है उसके द्वारा किया गया है। और ये मैनुअल स्केवेंजिंग को सिटी कॉरपोरेशन एज ए पार्ट ऑफ एफर्ट टू रीड ऑफ मैनुअल स्केवेंजिंग एट द कॉस्ट ऑफ 18 लाख इन चेन्नई तमिलनाडु। कहाँ पे किया गया सीधे आपका अगर स्टेट पूछता है तो आपका पता है तमिलनाडु पे आप लोग को टिक करना है। बैंडिकूट ड्रेनेज क्लीनिंग रोबोट कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है, तो चेन्नई में किया गया है। अगर पूछता है कि नाम क्या है ड्रेनेज क्लीनिंग रोबोट का, तो आपको बैंडिकूट आपको जो ऑप्शन होगा उस पर टिक करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके हो गए, और आप वीडियो को लाइक करते चलें, हमको समझ से आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। फर्स्ट ह्यूमनॉइड पुलिस रोबोट केपी बोट लॉन्च इन केरला, ठीक है। तो जो कि ह्यूमन बेस्ड जो आपको पुलिस रोबोट बनाया गया है, जिसका नाम आपका क्या है केपी बोट, जो कि कहाँ पे लॉन्च किया गया है, ये केरला में किया गया है। केरला चीफ मिनिस्टर पिनरायी विजयन इनॉग्रेटेड इंडिया फर्स्ट ह्यूमनॉइड पुलिस रोबोट नेम्ड केपी बोट। रैंक जिसका जो दिया गया है वो सब इंस्पेक्टर का दिया गया है SI एट द पुलिस हेडक्वार्टर्स इन तिरुवनंतपुरम केरला। तो यहाँ से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। पहले तो आपसे पूछ सकता है कि फर्स्ट ह्यूमनॉइड जो पुलिस रोबोट है उसका नाम क्या है, तो केपी बोट हो जाएगा। कहाँ में किया गया इंट्रोड्यूस, तो आपको केरला में किया गया है। इसका जो रैंक क्या दिया गया है, तो सब इंस्पेक्टर का दिया गया है SI का, ठीक है। किसका दिया गया है SI का, और किस पुलिस हेडक्वार्टर में रखा गया है अभी इसको, तिरुवनंतपुरम जो है आपका केरला में रखा गया है, ठीक है। द रोबोट जेंडर इज डिक्लेयर्ड फीमेल, रोबोट का जो जेंडर है वो क्या डिक्लेयर किया गया है, फीमेल डिक्लेयर किया गया है। कीपिंग इन माइंड वोमेन एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्वलिटी, इसको ध्यान में रखते हुए कि ये जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा देता है और वोमेन एम्पावरमेंट का भी एक ये अच्छा कोशिश रहेगा उन लोगों के तरफ से। तो इस तरीके के आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं पार्ट वन में, पार्ट टू में भी करवाऊंगा। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब कर लें, और इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और लाइक तो ज़रूर करें अगर देखते हैं तो। अगर लाइक पे ही डिपेंड करेगा कि आपका नेक्स्ट वीडियो कब तक आता है। तो थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब कर लें, फॉलो करें, और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लें। थैंक्स फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।